स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। मैं हूं सुफियान और आपके सामने खड़ी है दोस्तों सुजुकी की वी स्ट्रॉम 250SX। तो ये गाड़ी लेने के पीछे मेरी क्या वजह थी और मैंने ये गाड़ी लेने के पहले किन किन गाड़ियों का ट्रायल लिया और ये गाड़ी मैंने क्यों परचेस की ट्रायल लेने के बाद उन गाड़ियों का, मतलब जो इसके प्राइस सेगमेंट्स के करीब आती है उन गाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला तो HD हो गया, ठीक है, HD एडवेंचर। सेकेंड हिमालयन। थर्ड होंडा CB200X। फोर्थ KTM एडवेंचर 250। उसके बाद मैंने ये गाड़ी लेने का निर्णय लिया। अब ये गाड़ी लेने के पीछे की जो वजह थी दोस्तों वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले ऊंट देख लो, हाँ देख लिए, कुत्ता भी देख लो, ठीक है, आप गाड़ी देख लो। तो ये गाड़ी लेने के पीछे वजह ये थी दोस्तों, आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ मैं। अगर आप ऑनलाइन इसकी कीमत देखोगे तो आपको 252 या 254, कहीं कहीं पे 260 बताएगा वेबसाइट्स पर ऑनलाइन, ठीक है। आप शोरूम में भी जाकर पता करोगे तो आपको 2.5 लाख या उससे ऊपर ही बताएगा, पर मुझे ये गाड़ी मिली है दोस्तों 2,30,000 में, ठीक है। अब 2,30,000 में मिलने की कुछ अलग वजह थी, मुझे डिस्काउंट लगा और किस वजह से लगा वो मैं आपको पता नहीं, मैं बता सकता हूँ या नहीं बता सकता हूँ, चलो बता ही देता हूँ। मेरी पुरानी जो पल्सर थी, ठीक है ना, पुरानी नहीं बोलूँगा, वो भी नहीं लिया हूँ मैंने, पल्सर N150, तो उसके एक्सचेंज में उन लोग ने मुझे डिस्काउंट दिया। हालांकि मैंने वो गाड़ी उनको बेचा नहीं, वो गाड़ी अभी भी मेरे पास है, पर उन्होंने ऐसा मेंशन किया कि मैंने वो बेचकर, मतलब आप समझ रहे हो ना, तो वो एडजस्टमेंट उन्होंने कर दिया कि मैं अपनी गाड़ी एक्सचेंज में बेच रहा हूँ, तो वो हिसाब से उन्होंने मुझे 20,000 का डिस्काउंट दे दिया सीधा सीधा, ठीक है। तो 2.5 लाख की गाड़ी मेरे को पड़ गई 230 में। अब 230 सेगमेंट के अंदर दोस्तों ये गाड़ी, ऐसी गाड़ी, इतने स्पेसिफिकेशन की गाड़ी, इतने फीचर्स की गाड़ी आपको मिलना नामुमकिन है। आप इसको KTM एडवेंचर 250 से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले तो भाई सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है प्राइस का। KTM एडवेंचर 250 का प्राइस है 2,92,000, आपको डिस्काउंट मार के 2,90,000 में भी दे दिया तो भी 60,000 का डिफरेंस आ जा रहा है, ठीक है। मेरी फर्स्ट चॉइस मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने ट्रायल लिया हिमालयन, ठीक है, सेकेंड HD एडवेंचर, ठीक है, दोनों का ट्रायल लेने के बाद देखो दोस्तों गाड़ी जबरदस्त है, पावर, पिकअप, सस्पेंशन सब कुछ अच्छा है और ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी अच्छी है उनकी, इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर दोस्तों उसमें ट्यूब वाले टायर दिया है, प्लस माइलेज तो खैर इन गाड़ियों में माइलेज कोई देखता नहीं है, फिर भी उनका माइलेज काफ़ी कम है इसके मुकाबले, प्लस उसमें जो है ट्यूब वाले टायर दिया हुआ है। और कीमत दोस्तों जैसे मैंने बताया ये 230 की है, तो उसके कंपैरिजन में उसकी कीमत ज़्यादा है उन दोनों गाड़ियों की, ठीक है। प्लस जो सबसे बड़ा मुझे ड्रॉबैक लगता है ना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आजकल टायर इतने पंक्चर होते हैं ना, तो मुझे ट्यूब वाले टायर देख के दोस्तों डर लगता है, और इसमें ट्यूबलेस टायर थे, तो ये सबसे बड़ी वजह थी कि मैंने HD एडवेंचर और हिमालयन को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब रही बात होंडा CB200X और KTM एडवेंचर 250, तो दोस्तों CB200X को रिजेक्ट करने की पीछे की वजह है उसका नन्ना मुन्ना ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों 205mm का है, ठीक है। KTM एडवेंचर 250 का भी अच्छा है, 200mm का है, पर होंडा CB200X का मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 160 या 155 के करीब है, मुझे याद नहीं है, पर इतना ही है दोस्तों उसका, मतलब 160 भी नहीं है, मतलब एक जो कम्यूटर गाड़ी होती है ना, कम्यूटर बाइक्स, उनसे भी कम है उसका ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब इतना गंदगी मचा दिया उसने ग्राउंड क्लियरेंस में, पूछो नहीं दोस्तों। और इतना कंफर्ट नहीं है दोस्तों, जैसा इसकी सीट कंफर्टेबल है ना, वैसा होंडा CB200X की सीट कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है ना। प्लस सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे उसका लगा ग्राउंड क्लियरेंस, बाकी ट्यूबलेस टायर वगैरह सब कुछ दिया उसने भी, वो प्रॉब्लम नहीं है, बस ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से मैंने वो गाड़ी रिजेक्ट कर दिया। अब मेरी फर्स्ट चॉइस दोस्तों बन के आ रही थी KTM एडवेंचर 250, ये तो सेकंड चॉइस थी दोस्तों, ये तो मेरे को मतलब उतना देने का दिल नहीं था, मेरा दिल था लेने का KTM एडवेंचर 250। पर दोस्तों अगर आप देखते हो उसकी कीमत तो 2,90,000 है, इसकी कीमत 2,30,000 मुझे पड़ रही है, और अगर आप KTM एडवेंचर 250 अगर 2,90,000 देकर लेते हो तो उससे अच्छी दोस्तों और 50,000 मिलाओ तो KTM एडवेंचर 390X आ जाएगी। 390 जो स्टैंडर्ड मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो अब नया लॉन्च हुआ है 390X, वो आपको 340,000 में मिलती है। तो 290 दे के 250cc का लेने से अच्छा फिर इंसान 340,000 दे के वही ले लेगा, 390X ले लेगा। तो फिर वही बात हो जा रही थी ना कि बजट सीधा 1,00,000 से ज़्यादा हो जा रहा था, ये 230 की वो 340, 1,10,000 बढ़ जा रहा था। तो यही सब मजा थी कि मैंने सोचा कि नहीं यार छोड़ो वो सब, अपनी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रही है ये गाड़ी, तो फिर क्यों 1,10,000 ज़्यादा डालना। और दोस्तों अगर आप पुराने वीडियोस देखे हो इस गाड़ी के, 2022 या 23 मॉडल की गाड़ी के, तो आप अपना पहले तो ब्रेन वॉश कर लो
क्योंकि दोस्तों मैं नहीं समझता कि ये गाड़ी का परफॉर्मेंस कम है, ठीक है ना। लोग बोलते हैं कि भाई इसका पिकअप अच्छा नहीं है, ऑफ रोड कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है। अगर आप देखोगे इस गाड़ी को, मैं अभी कीचड़ में से चला के लाया हूँ, आप वहाँ पर आप देखोगे रास्ता, वहाँ पर पूरा ये जो रेत है ना, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ समंदर किनारे, तो वहाँ पर पूरा ये रमल है और दलदल की तरह जमा हुआ है। बारिश की वजह से, बारिश का महीना चल रहा है तो बारिश का पूरा कीचड़ जमा हुआ है। उन कीचड़ में से, मतलब कुछ नहीं तो आधा फुट का कीचड़ था, उसमें से लाया हूँ मैं गाड़ी को, एकदम स्टेबल आई। हाँ थोड़ा बहुत आपको पाँव कभी कभी टेकना पड़ेगा, उतना नहीं टेकना पड़ेगा पर, ठीक है ना। सस्पेंशन अगर स्टिफ रहेगा तो आपको हाईवे पे अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, लीनिंग वगैरह में गाड़ी एकदम स्टेबल रहेगी। प्लस अगर आप देखो तो ड्यूल टोन टायर है इसके, मतलब आपको ऑफ रोड और हाईवे दोनों पे चलने वाले, तो लीनिंग वगैरह में आपको एकदम कॉन्फिडेंस आएगा हाईवे पे, क्योंकि सस्पेंशन आपकी स्टिफ है तो गाड़ी स्टेबल चलेगी, ठीक है। चाहे आप 110 की स्पीड में आप हल्का सा कर्व ले रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ऑफ रोडिंग में जैसे मैंने बताया, अगर आप दलदल वगैरह में फंस रहे हो तो ये गाड़ी में इतना पावर भी है कि आपको उस दलदल से निकाल लेगी। अब एकदम गहरा दलदल है दोस्तों, 2-3 फीट का तो आप फंस जाओगे, वो अलग बात है। मगर नॉर्मल एक होता है ना, आधे फुट का दलदल, मतलब 6 इंच का दलदल, 8 इंच का दलदल, तो उसमें से ये गाड़ी आपको निकाल देगी, आराम से निकाल देगी, ठीक है। पर अगर पथरीला रास्ता है तो आपको बॉल की तरह बाउंस भी करेगी, अगर आपके पास लगेज नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोलो बैठे हो और आपका वेट 70-80 किलो भी है, तो भी इसका सस्पेंशन आपको पीछे का स्टिफ लगने वाला है। आगे का सस्पेंशन ठीक है, पर पीछे का सस्पेंशन जो है आपको बाउंस कराएगा पत्थरों पे, ठीक है। तो वो चीज़ का एक प्रॉब्लम आपको हो सकता है अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो नदी वगैरह के रास्ते में, जहाँ पर आपको कड़क पत्थर मिलते हैं गोल गोले से, तो वहाँ पे गाड़ी डुबुक 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 आपको बाउंस कराएगी, ये एक प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों, KTM एडवेंचर 250 मेरी पहली चॉइस थी, ये सेकंड चॉइस थी, मगर उसकी कीमत में और 50 मिलाओ तो 390 आ जाती है। फिर भी अगर देखा जाए तो मैं चलो छोड़ देता हूँ कि भाई चलो वो 60,000 ज़्यादा है, फिर भी अगर आप कंपेयर करोगे उसको और इसको, तो मुझे नहीं लगता कि दोस्तों इसके पावर में या परफॉर्मेंस में कोई कमी है, ठीक है ना। उसका पावर और टॉर्क भले से पेपर पे आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, इसमें भी दोस्तों देखो आपको तकरीबन 26.5 BHP का पावर मिल जाता है और 22.2 Nm का टॉर्क मिल जाता है, जो कि मैं समझता हूँ सिटीज और हाईवेज दोनों के लिए काफ़ी है। प्लस ऑफ रोडिंग में भी आप कहीं फंसे हो दलदल में, तो वो निकालने के लिए इतना टॉर्क, 20 के ऊपर का टॉर्क आपको काफ़ी हो जाता है दलदल में से निकालने के लिए। क्या है, लोग बोलते हैं कि भाई KTM जो है रॉकेट है, ठीक है ना, सेकंड गियर में एकदम उड़ जाती है, एकदम मज़े से उड़ जाती है और मज़ा आ जाता है। भाई मज़ा नहीं आता है, डर जाता है इंसान, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ ये अलग बात है कि जो एडवेंचर गाड़ियाँ हैं KTM की, जैसे कि एडवेंचर 250, एडवेंचर 390X, एडवेंचर 39 और एडवेंचर एक जो स्टैंडर्ड 390 है, उसमें शायद उन्होंने रॉकेट जैसा परफॉर्मेंस नहीं रखा है। फिर भी दोस्तों मैंने टेस्ट राइड लिया तो मुझे पता है, वो सेकंड गियर में आप ज़्यादा एक्सीलेटर दे दोगे ना, हो सकता है गाड़ी आगे से उठ जाए, मतलब इतना उसके अंदर पावर भर भर के रखा हुआ उन्होंने, ठीक है ना। KTM में ये भी आपको अच्छा पिकअप निकाल के देगी दोस्तों, मगर ये कैसा आपको लीनियर पिकअप देगी, आपको डराएगी नहीं, मतलब ये नहीं कि भाई आप एकदम उड़ जाओगे, आगे का टायर उड़ जाएगा, ऐसा डराएगी नहीं आपको, गाड़ी पिकअप दे देगी। इसको भी मैंने 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि सिग्नल पर मैंने सबको ओवरटेक करके इस गाड़ी से मैं आगे निकल गया था, मतलब इसका आपको पिकअप अच्छा देखने को मिलेगा। सेकंड गियर थर्ड गियर में गाड़ी उड़ जाती है। हाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसकी, अगर आप थर्ड गियर में हो, ठीक है, आपका RPM कम है, मतलब आपका थ्रॉटल आप कम दिए हो ना, और आपकी स्पीड कम है, थ्रॉटल भी कम है, RPM कम है आपका 2 से 3 हज़ार है, और आप थर्ड गियर में हो, आप थर्ड गियर से पिकअप करने जाओगे तो थोड़ा बहुत नॉकिंग करेगा इसका इंजन, तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा थ्रॉटल दो, मतलब RPM ज़्यादा हो तो थर्ड गियर में आप उठा सकते हो। सेकंड गियर में नो प्रॉब्लम, आप ट्रैफिक में, पूरा ट्रैफिक में आप बोलते हैं ना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप सेकंड गियर पे चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नॉकिंग साउंड नहीं, कोई इशू नहीं, ना गाड़ी स्टॉलिंग का प्रॉब्लम, मतलब गाड़ी बंद पड़ने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको सेकंड गियर में, ठीक है ना। बहुत से कम्यूटर बाइक में आपको फर्स्ट गियर में चलाना पड़ता है, पर इस गाड़ी में आप सेकंड गियर में ट्रैफिक में आराम से निकल सकते हो, हल्का सा क्लच दे के, ज़्यादा थ्रॉटल भी देना नहीं पड़ेगा आपको, आप आराम से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलते जाओगे, जो मुंबई में नॉर्मली आजकल ट्रैफिक होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इस गाड़ी में मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी कराया हूँ, मगर वो मैं आपको मॉडिफिकेशन की वीडियोस में बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फुटरेस्ट वगैरह मैंने लेडीज के लिए फुटरेस्ट लगा दिया हूँ, दोनों तरफ लगाया हूँ, तो वो सब चीज़ें दोस्तों हम लोग मॉडिफिकेशन की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल पर दोस्तों इस गाड़ी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आने वाली है, मॉडिफिकेशन के ऊपर, राइड रिव्यू, माइलेज टेस्ट, फिर ऑफ रोड कैपेबिलिटी, मतलब ऑफ रोड के ऊपर एक अलग से वीडियो हम लोग डालेंगे ऑफ रोड राइड रिव्यू करके, तो बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे आने वाली है इस गाड़ी से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और जाते जाते दोस्तों समुंदर का नज़ारा देख लो, हवाएं देख लो कैसे चल रही है। तो दोस्तों बारिश के महीने में दोस्तों इतना मेहनत करके आपके लिए आ रहे दोस्तों, सब्सक्राइब करके ही जाना जाते जाते, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलो, लाइक करो सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों।
चलो बाय बाय।